अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 16 में आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। पहली बात, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स हमारे पास बेटे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम वगैरह। अब फर्टिलाइजर्स हमारे पास बहुत सी इकसाम की होती हैं, लेकिन हम मेजर तीन तरह की फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, सेकेंड वन इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड थर्ड वन इज पोटाशियम फर्टिलाइजर। ऐसी फर्टिलाइजर जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करे उसे आप कहते हो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ऐसी फर्टिलाइजर जो प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करे दैट इज कॉल्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, और ऐसी फर्टिलाइजर जो प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करे दैट इज कॉल्ड पोटाशियम फर्टिलाइजर, और इनको आप एनपीके भी कहते हो। एनपीके क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज एनपीके? तो आप कहोगे कि सॉइल को, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें नाइट्रोजिनस फॉस्फेटिक एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, जिनको हम एनपीके भी कहते हैं। एन मीन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पी मीन पोटाशियम फर्टिलाइजर, सॉरी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एंड के मीन पोटाशियम फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली आप एनपीके भी कहते हो। तो यहां पे आज जो हम पहला टॉपिक डील करेंगे वो होगा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर किसे कहते हो आप? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर एक ऐसी फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू सॉइल, जो जमीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करे उस फर्टिलाइजर को आप क्या कहते हो? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर एंड व्हाई इट इज यूज्ड? इसको हम क्यों यूज करते हैं? बेटे जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है ना, ये प्लांट की अर्ली स्टेजेस, अर्ली ग्रोथ के लिए लाजमी होती है। ये स्टेम और लीव की ग्रोथ के लिए लाजमी होती है। प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट होती है नाइट्रोजन, जो पौधे के अंदर प्रोटीन बनती है। इसी तरह नाइट्रोजन लीव्स को कलर इंपार्ट करती है, जो लीव्स का कलर होता है वो नाइट्रोजन उसमें मौजूद होती है, और नाइट्रोजन प्लांट की क्वालिटी और उसकी यील्ड को इंक्रीज करता है। ये हो गया हमारे पास व्हाट इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में आगे हमने डिफरेंट फर्टिलाइजर पढ़नी है, जिनमें पहली फर्टिलाइजर हम जो डील करेंगे वो है अमोनिया। अमोनिया फर्टिलाइजर के, अमोनिया को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब अमोनिया को हम फर्टिलाइजर के तौर पे कैसे यूज करते हैं? बेटे अमोनिया होता है लिक्विड स्टेट में। अमोनिया किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। बाकी जितनी भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो गया यूरिया, हो गया यूरिया भी एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट हो गया, वो एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। बाकी जितनी भी फर्टिलाइजर है ना, वो आप सॉलिड फॉर्म में अप्लाई करते हो नाइट्रोजन के लिए, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में अप्लाई करते हो वो है अमोनिया। MCQ आ सकता है कि कौन सी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं, तो आप कहोगे अमोनिया फर्टिलाइजर। तो नाउडेज एनहाइड्रस अमोनिया जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन टू सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, कि सॉइल में डायरेक्टली ऐड करने के लिए एनहाइड्रस अमोनिया जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें वाटर वेपर्स वगैरह मौजूद ना हो, उसे आप कहते हो एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, तो एनहाइड्रस अमोनिया ये डायरेक्ट एप्लीकेशन टू सॉइल, डायरेक्टली हम ये जमीन में अप्लाई करते हैं। इसमें 82% नाइट्रोजन होती है। अमोनिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 82%, जो कि काफी मिकदार है सोयल के लिए, जमीन के लिए। बेटे अमोनिया जो होती है ना,
लिक्विड फॉर्म में होती है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर हम डायरेक्ट इसको ज़मीन के ऊपर फेंक दें तो ये अवेपोरेट हो जाएगी, एयर में शामिल हो जाएगी, ज़मीन को तो मिलेगी नहीं। तो फिर हम अमोनिया को ज़मीन में कैसे डालते हैं? अमोनिया को हम इंजेक्ट करते हैं 6 इंच अंडर सॉइल के, ज़मीन से कम 6 इंच नीचे अमोनिया डालते हैं। वो कैसे डालते हैं? जब हम बेटे हल चलाते हैं, फसल बोते हैं, तो हल चलाने के दरमियान ही हम नाइट्रोजन इस अमोनिया को उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन के नीचे चली जाती है और अवेपोरेट नहीं होती। ठीक है, तो अमोनिया को हम कैसे इंजेक्ट करते हैं ज़मीन में? 6 इंचज अंडर सॉइल डायरेक्टली अगर आप ज़मीन पे फेंकोगे तो इसकी सीपिंग हो जाएगी, ये ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है ना, जितनी भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है वो ज़मीन को एसिडिक कर देती हैं। ज़मीन को क्या कर देती हैं? एसिडिक कर देती हैं। चंद एक फर्टिलाइजर ऐसी हैं जो एसिडिक नहीं करती, लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह। बाकी जितनी भी फर्टिलाइजर है ना, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, वो जमीन को एसिडिक कर देती है। तो फिर अगर जमीन एसिडिक हो गई तो उसको न्यूट्रल भी तो करना पड़ेगा ना। तो फिर न्यूट्रल कैसे करते हैं? हम उसमें बेस डाल देते हैं, लाइम डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रेगुलर इंटरवल में डालना पड़ता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम लाइम अप्लाई करते हैं ना सॉइल को, तो उसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेटे अमोनिया वाला पोर्शन। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है यूरिया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फर्टिलाइजर है वो है यूरिया फर्टिलाइजर। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यूरिया फर्टिलाइज़र बहुत आसान है। यूरिया फार्मूला क्या है? NH2 2 CO। यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हाई क्वालिटी फर्टिलाइज़र है पाकिस्तान में। इसमें टोटल 46% नाइट्रोजन होती है, और यूरिया जो है ये सॉलिड फॉर्म में यूज़ की जाती है। यहाँ पे जो हम इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बेटे टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तीसरा प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, चौथा प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, पांचवा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, छठा प्रीलिंग। ये हमारे पास बेटे टोटल 6 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम यूरिया तैयार करते हैं। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यूरिया की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है। हाइड्रोजन गैस आप कैसे बनाते हो? हाइड्रोजन गैस आप बनाते हो मीथेन गैस से। याद है आपने मीथेन के यूजेस में पढ़ा था कि मीथेन गैस जो है ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है? हाइड्रोजन गैस की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे देखें फिर, फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप कैसे बनाते हो? मीथेन का आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ। क्या होगा? ये कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, प्लस 4 हाइड्रोजन, ये 2, ये 6 हाइड्रोजन, 3H2 की फॉर्म में ये हाइड्रोजन आपके पास हासिल हो जाएगी। ये पहला पॉइंट, हाइड्रोजन बना ली। अब आपने बनाना है अमोनिया। तो जब आपने अमोनिया बनाना है, अमोनिया के लिए 2 चीज़ें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बना लिया आपने, नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन आप एयर से ले लोगे। तो अमोनिया को आप बनाते हो हाबर प्रोसेस के ज़रिए, कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, N2+3H2। जब ये मिलते हैं तो 2 मोल किसके बनते हैं? अमोनिया के बनते हैं। ठीक है, तो ये NH3, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट आपने बनाना है। अमोनियम कार्बामेट आप कैसे बनाओगे? कि आप 2:1 के साथ 2 मोल अमोनिया के और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का इसको रिएक्ट करवाओगे आपस में। ये क्या बनेगा? NH2 C(OO)NH4। देखिए टोटल यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन
और एक कार्बन दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन ये आ गई, एक एनएच टू दो नाइट्रोजन ये, और दो और चार ये छह हाइड्रोजन ये कंप्लीट हो गए। जब आपने 2 मोल अमोनिया और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया, ये कन्वर्ट हुए अमोनियम कार्बामेट में, एनएच टू सी डबल बॉन्ड ओ एनएच फोर, इसे आप क्या कहते हो, अमोनियम कार्बामेट। अब ये जो अमोनियम कार्बामेट है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको आप हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे इसमें से वाटर निकल जाएगा। देखिए यहां पे एनएच फोर है, दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन ये वाली गई, क्या बन गया, वाटर। दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन ये वाली गई, वाटर बन गया। बाकी क्या रह गया, एनएच टू सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन भी चली गई, दो हाइड्रोजन चले गए थे, एनएच टू बन गया, ये क्या रह गया, ये यूरिया बन गया, ठीक है, जो हमने बनाना था रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो बन गई। अब इस यूरिया में वाटर मिक्स है, ये डाइल्यूट कह लो आप, प्योर नहीं है, डाइल्यूट है, वाटर मिक्स है। अब हमने इसको करना है कंसेंट्रेट, प्योर करना है, वाटर निकालना है। वाटर कैसे निकालोगे, अवेपोरेशन करवाओगे आप इसकी, इसमें स्टीम ऐड करोगे, आप इसमें से वाटर निकालोगे। जब आप इसको अवेपोरेशन टॉवर में से पास करते हो, तो यहां पे बेसिकली इसके दो स्टेप्स होते हैं, अवेपोरेशन टावर में 2 स्टेप अवेपोरेशन होती है, एक आप यहां पे इस यूरिया को हीट देते हो और दूसरा उसमें स्टीम ऐड करते हो, जिसकी वजह से इसके अंदर जो वाटर है वो निकल जाता है, ठीक है। बाकी आपके पास बचता है 99.7% यूरिया, तकरीबन सारा पानी निकल गया, पॉइंट में पानी अगर है तो मौजूद है, इसे आप बोलते हो यूरिया मेल्ट। 99.7% यूरिया को आप मेल्ट का नेम भी देते हो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया यूरिया, जो कि यहां पे आपने हीट दी है, हीट की वजह से ये होगा मोल्टन फॉर्म में, हमें ये चाहिए सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पे ये जो मोल्टन यूरिया है, इसकी आपने करवानी है प्रीलिंग, इसको सॉलिड फॉर्म में लेके आना है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवानी है, दानेदार फॉर्म में लेके आना है। तो इस मोल्टन यूरिया को आप प्रीलिंग टावर हाइट से नीचे फेंकते हो, और हाइट से नीचे फेंकते वक्त आप इसमें एयर ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से ये हो जाता है कूल, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इसको आप स्टोर कर लेते हो। ये हमारे पास टोटल हो गई यूरिया की फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैसे, सबसे पहले आपने हाइड्रोजन गैस बनाई मीथेन की मदद से, फिर आपने इस हाइड्रोजन गैस से बनाया अमोनिया, अमोनिया से बनाया अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट अनस्टेबल है, हीट किया यूरिया में कन्वर्ट हो गया, वाटर मौजूद है, वाटर को अवेपोरेट करवाने के लिए आपने हीट किया, वाटर निकल गया, बाकी 99.7% यूरिया बच गया, दैट इज यूरिया मेल्ट। नेक्स्ट प्रीलिंग, आपने हाइट से इसको फॉल किया, इसकी प्रीलिंग कर ली, यूरिया को प्रिल्स में कन्वर्ट कर लिया, बाद में आपने इसको स्टोर कर लिया। तो अगर आप इसकी फ्लोशीट डायग्राम बनाओ, ये सारा प्रोसेस जो आपने पढ़ा है, इसकी फ्लोशीट डायग्राम अगर आप हम बनाएं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम करेंगे कंप्रेस, ठीक है। जब इनको कंप्रेस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, अमोनियम कार्बामेट में कन्वर्ट होंगे। अमोनियम कार्बामेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसकी क्या होगी, यहां पे डीकम्पोजिशन होगी, जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी ये किस में कन्वर्ट होगा, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिया को फिर हम लेके गए आगे अवेपोरेशन टावर में, अवेपोरेशन टावर के बाद इसकी क्या हुई, प्रिलिंग हुई, प्रिलिंग के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रिल्स में कन्वर्ट हो गया, प्रिल्ड यूरिया, और फिर हमने इसको स्टोर कर लिया। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया की तैयारी। ओके जी।